गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल सतरंगी दुनिया। इस सतरंगी दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही हो। मैं अभी ठीक हूँ। ठीक हूँ इसलिए क्योंकि सुबह से नहीं, कल रात से ही मैं बहुत टेंशन में थी। टेंशन इसलिए क्योंकि आज है 23 फेब और आज बड़ी और छोटी का रिज़ल्ट आउट मीन्स एग्ज़ाम का कॉपी पेरेंट्स लोगों को दिखाएंगे, टीचर लोग, और जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि 1 मार्च को बच्चियों के हाथ में देंगे टीचर। तो इसलिए कल से बहुत ही टेंशन भी थी मैं। हालांकि बच्चे हैं लेकिन फिर भी जो माँ है उन लोगों को, वो चाहे बच्चा छोटी क्लास में पढ़े या फिर बड़ी क्लास में पढ़े, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम और रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट, चाहे जितना भी अच्छा करे टेंशन हो ही जाता है। तो इसलिए मैं बहुत टेंशन में थी। आज सुबह मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, वहाँ पर पेरेंट्स लोग अलाउड है, नॉट बच्चे लोग अलाउ नहीं हैं आज। लेकिन जिसका मतलब घर में कोई नहीं है, बच्चों को ले जाना पड़ेगा तो वो रहते हैं। तो वही अभी से मैं आई हूँ। अभी टाइम हुआ है 10:30 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है। हस्बैंड अभी जा चुके हैं खाना खा के और मैं अभी देखिए ड्रेस भी चेंज नहीं किए हैं, अभी आई हूँ। फ़िलहाल अभी बाकी का जो सारा काम पड़ा हुआ है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही बच्चे नीचे है। बड़ी का तबीयत ठीक नहीं हुआ है, बहुत खांसी हो रही है, तो चलते हैं। अगर सुबह से अगर कोई काम ठीक से हो ना पाए ना, तो देखिए देखिए यहाँ पे कल मैंने कपड़े धोकर रखे थे यहाँ पर, हाँ उसको ठीक करके अलमारी में नहीं रखा, देखिए तब से यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पे सब छोड़ गए हैं, बहुत ही टेंशन में थी, अभी रिलैक्स हूँ। कुछ प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी हम लोगों ने, पर हुआ नहीं, फेलियर हुआ हम लोग। तो देखते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है या फिर नहीं। अभी मैं बिस्तर को ठीक कर लूँ। बीच में बहुत दिन हो गया था जिससे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और जो कुछ भी मैं शूट किए थे वो अपलोड नहीं किए। एक तो प्रॉब्लम था फ़ोन का, क्योंकि चाहे जितना भी मैं स्टोरेज उसको खाली करूँ वो फुल क्यों दिखा रहा है पता नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम तो और एक था कि जो घर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन होते होते भी नहीं हुआ है, तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बोलूँगी, बताने के लिए मना किए हैं तो इसलिए नहीं बोल रही हूँ। सरस्वती पूजा वैलेंटाइंस में चाही थी कि कुछ शूट करूँ, पर थोड़ा थोड़ा एक दो शूट किया, वो मैं एक टूटा फूटा जो मैंने शूट किए थे ठीक तरह से मैं शूट नहीं कर पाई, तो वो शूट को वो वीडियो को मैं सोच रही हूँ कि एक ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी ठीक तरह से। हाँ पूजा हुई है घर में, और वैलेंटाइंस डे का स्पेशल कुछ सेलिब्रेशन हम लोग नहीं करते। हम लोगों को मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों का ही एक ही ओपिनियन है, अगर आप लोगों के बीच सच्चा प्यार है तो वो हर डे ही वैलेंटाइन डे है, अलग से मनाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग मनाते हैं वो ठीक नहीं है,
ये हम लोगों की ओपिनियन है, और हम लोग बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हैं इसलिए हम लोग नहीं मनाते, खास करके जब हम कॉलेज में थे तब हम मनाते थे, अभी तो बच्चे हो चुके हैं, बुढ़ा बुढ़ी ऑलरेडी ग्रे हेयर निकल चुकी हैं इसलिए हम लोग नहीं मनाते। आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, कल तो बारिश हुई थी यहाँ पे बहुत ही। आज सुबह से मैं सोच रही थी कि कैसे स्कूल जा पाऊँ क्योंकि बहुत ही वेदर ख़राब थी। अभी फ़िलहाल धूप निकल गई है और छत पे जाऊंगी, बहुत सारे कपड़े बेड कवर मैंने कल धो के रखे थे, थोड़ा सा आधा सूखा हुआ है और थोड़ा सा नहीं सूखा हुआ है, तो उसको मैं डाल दूंगी। बच्चों को नहा करके रेडी करके भेज दिए हैं नीचे, क्योंकि बड़ी को फैन के नीचे, वो चाहती है कि उसको थोड़ा सा हाँप लग रही है, गर्मी लग रही है कभी कभी, तो इसलिए वो चाहती है कि फैन के नीचे रहूं, और कभी कभी कहते हैं कि नहीं मुझे ठंड लग रही है, तो मैंने कहा तुम नीचे जाके टीवी देखो फिलहाल, और अभी मैं पोछा लगा दूंगी क्योंकि 12 तो बज चुके हैं, 12:30। तो चलिए फर्स्ट मार्च को जाना पड़ेगा स्कूल, उस दिन बच्चों का सेम टाइम स्कूल है और उस दिन रिजल्ट, आज तो कॉपी दिखाए हैं, उस दिन रिजल्ट बच्चों के हाथ पे देंगे टीचर लोग और कुछ एंजॉय करेंगे। टीचर कहते हैं कि हम लोग बच्चों को नहीं बताते कि आज आपका रिजल्ट आउट है, कौन पास आउट कौन, सभी पास होंगे। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और यही ठीक है कि बच्चों को जितना चाहे आप रिजल्ट के जो डर है उससे दूर रखो। तो मैम ने कहा, बड़ी का जो क्लास टीचर है उन्होंने कहा कि आप भेज देंगे फर्स्ट मार्च को टिफिन और पानी दे के, वो लोग इंजॉय करेंगे। लास्ट डे ऑफ क्लास 1 बच्चों के, सॉरी बच्चों के लिए, क्या बोल रही थी मैं, हाँ बोलो बोलो मामा क्या हुआ। बोलो आज ओरियो खाई ना तुमने, इधर आओ बोलो। हाँ बोलो, दीदी नहीं खेल रही है, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बोलो वो खेलेगी। शुरू टीवी देखे ओके देखो शुरू टीवी इधर आओ इधर आओ। तुम कौन सी क्लास में उठी हो अभी, हाँ कौन सी क्लास में उठी हो। कौन सी क्लास में उठी हो बताओ। देखिए ये मार रही है अपनी माँ को। हाँ हम सो गए, चलो चलो उठो, पानी चल जाएगा, पानी चला जाएगा, चलो चलो उठो, पोछा लगाना अभी बाकी है ना, चलो। तुम कौन सी क्लास में हो अभी, हाँ तुम बोल दो, हाँ कौन सी क्लास में उठी हो, नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करती हूँ तुम खेल लो ठीक है। दीदी नहीं खेल रही है, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए वो नहीं खेल रही है ना। देखिए मम्मी को मार रही है ये,
तो चलिए मैं बाकी का काम करके फ्रेश हो जाती हूँ। वेलकम बैक गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है शाम के 5 और अभी मैं आई हूँ छत पे। जो कपड़े हैं वो अभी मैं उठा लेती हूँ। अभी गर्मियों का सीज़न है ना, थोड़ी बहुत ठंड है लेकिन फिर भी गर्मियों का सीज़न है, इसलिए अभी आई। वरना मैं इतने दिनों तक विंटर सीज़न था तो 4 बजे आ ही जाती थी। इस पेड़ में देखिए बहुत आम होगा, ये आम का पेड़ है। देखिए कितना सुहाना मौसम है। आज मेरे हस्बैंड आने के समय ये देखिए कितने सारे रुमाल खरीदे। ये सारे रुमाल मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी में थोड़ा सा डुबो के धो के डेटॉल के पानी से धो लिया। कपड़े उठाते उठाते 5:30 बज चुके हैं। मच्छर भी यहाँ पे बहुत है। नीचे चलते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए मेरीगोल्ड गेंदे का फूल। क्या हुआ, नींद से उठ गई? हाँ बोलो। क्या हुआ इधर? हाँ इधर भी गेंदे का फूल जो कि अभी सूख रहा है। हाँ उधर भी है ना। क्या हाथ पकड़ के क्यों? हाँ ये भी देखा है, मच्छर है ना। चलो बहुत ही मच्छर है तो चलो नीचे चलते हैं। ये देखो हाँ वहाँ पर भी
चलो हो गया अभी नहीं। नहीं नहीं दौड़ो मत। चलो फिनिश्ड। क्या है मच्छर? चलो यस कोकोनट। चलो 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 वेलकम बैक गाइस। अभी बज रहे हैं रात के 10। ये देखिए 10 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और मैं अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को पढ़ा रही थी। थोड़ा सा यूं ही पुराने जो सिलेबस था वो दोहरा रही थी। उसके बाद आई बच्चों को डिनर रेडी करके दिए हैं वो अभी खा। ये देखिए सासू माँ सो रही है। देखिए खाना कम बक बक ज्यादा और मैंने चावल चढ़ा दिया है और साथ में पी रही हूँ चाय। फिलहाल ये कॉफी लिखा है लेकिन पी रही हूँ काली चाय ब्लैक टी विथ बिस्किट। तो देखिए ये खाना कम खा रही है। ये देखिए ये खाना कम और बक 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 ज्यादा। हाँ देखिए अभी तक 10:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और ये देखिए ये दोनों अभी भी टीवी देख रही हैं। खाना कम और टीवी देखना ज़्यादा। छोटी को मैं खिला रही थी और बड़ी तो खुद ही खाती है। ऑलरेडी देखिए राइस बन चुका है और ये दाल है मटर का दाल जो मैं थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंड है तो गरम गरम खाना अच्छा लगता है ना। और इसको मैं गरम कर रही हूँ इसलिए ताकि ख़राब ना हो जाए। माशा देख रही है अभी फैन डोरेमोन। ओके अभी तो तुम माशा खत्म तो अभी डोरेमोन चला दो। क्यों तुमने अभी तक देखा हाफ एन आवर देखा। अभी अभी दीदी की बारी है पापा अभी आ जाएंगे। नहीं ठीक है तो डोरेमोन चलाती हूँ अभी। भाभी आहिस्ता डोरेमोन नहीं हो रहा है। तो बोला 302 डोरेमोन। ये डोरेमोन हैप्पी। हाँ चलो खाना खा लो 10:30।
पापा आ चुके हैं, दाल भी गर्म हो चुकी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल सतरंगी दुनिया। इस सतरंगी दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैं ब्लॉग को ख़त्म नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों बच्चों को खाना खिलाते, खास करके छोटी को खाना खिलाते खिलाते तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रही थी, तो खाना खिलाते खिलाते तो तबीयत थोड़ा सा पता नहीं क्यों, नींद भी बहुत आ रही थी और तबीयत ख़राब लग रही थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि तुम उसको खाना खिला दो, तो उसने कहा ठीक है। फिर मैं तो बच्चों को खाना फिर मैंने कहा ठीक है तुम डिनर कर लो, मैं उसको ऊपर जाके खाना खिलाती हूँ। तो ऊपर आके मैंने उसको खाना खिलाया, उसके बाद मैंने सो गई और कल मैंने डिनर भी नहीं किए, तो पता नहीं कब आँख लग गई थी, मैं सो गई। बच्चे कब सोए, हस्बैंड कब सोए, कुछ भी पता नहीं। तो आज सुबह उठी हूँ और अभी टाइम हुआ है 8:30 और बाकी का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।